तिगांव हलके से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने वर्षों से कच्ची पड़ी एक सड़क को बनवाने का काम का शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर गांव के ही एक बुजुर्ग ने सड़क का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस दौरान गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया और सड़क बनवाने के लिए आभार जताया। आज उन्होंने जो हमारे तिगांव मेन शमशान घाट राठी के लिए जो रास्ता जाता है उसको पक्का कराने के लिए श्री गणेश किया है नारियल फोड़कर। और कहते हैं ना कि इंसान जो है अंतिम समय में उसका जिस तरीका से हम सलामी देते हैं तो रास्ते से जिससे जाते हैं ना वो रास्ता भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो अच्छाई बहुत दूर तक जाती है। और विधायक जी जो हमारे निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर कार्य करने का जो उन्होंने बीड़ा उठा रखा है, मैं तो कहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है। जिस तरीका से कश्मीर के अंदर 370 धारा तोड़ने का काम किया था, उसी तरीका से विधायक जी ने हमारे तिगांव विधानसभा से जीत कर 370 धारा तोड़ी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आगे भी जो कामों की जो हमारी प्रक्रिया शुरू हुई है वो भी 370 धारा टूटने का काम कर रही है। कहते हैं बाहर जिसने जीता है वही कह रहा है, कोई महावीर कोई बुद्ध। जानकारी के मुताबिक काफी समय से कच्ची सड़क को पक्का करने की मांग हलके के लोग कर रहे थे, जिसके बाद विधायक ने उनकी फरियाद सुनी और अब बारिश के कारण खराब हुई बाकी सड़कों को भी ठीक करने का आदेश अधिकारियों को दे दिया गया है। आज हमारे गांव में जो एक हमारा शमशान घाट है, इसका बहुत पुराना एक जो रास्ता था उसको आज बनाया गया है और उसके लिए हम आज यहाँ आए। कितने की लागत से, किन लोगों को फायदा होने वाला, कितने लोग? पूरे गांव का हमारा एक शमशान घाट का रास्ता था और ये हमारे आगे यहाँ पर आप हमारी आबादी, हमारे गांव के लोग भी रहते हैं, पूरा मेरे ख्याल 1 किलोमीटर के करीब ये रास्ता बनेगा। सर नए निर्माण हो रहे हैं लेकिन पुरानी जो सड़कें वो जर्जर हालत में है, कब उद्घाटन? बारिश की वजह से सड़कें टूट जाती हैं और अभी हमारे PWD की मार्केट कमेटी की जो सड़कें हैं जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। सड़क का उद्घाटन होने की खुशी में गांव के लोगों ने लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की और विधायक का आभार जताया। बता दें कि करीब 1 किलोमीटर लंबा रास्ता शमशान घाट को जाता है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। गांव के ही एक बुजुर्ग से कार्य का शुभारंभ कराकर विधायक ने मिसाल जरूर पेश की है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।